हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा कलेक्शन में मैं ठीक हूँ। आप सब ठीक होंगे तो आपको मेरी तरफ से हैप्पी छोटी दिवाली। तो ये मैं अपना व्लॉग अभी से दोबारा, मतलब ये है व्लॉग है, आज है वेडनेसडे है, तो आज है 30, तो आज छोटी दिवाली, तो हम अभी से स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग। तो मैं कल अपने घर जा रही हूँ 1 से 2 दिन के लिए, तो अपना नूर जो मेरी कैट है उसके साथ आज हम दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। तो सारी लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ लगा दी है और छोटी दिवाली आज, बाहर पटाखे फूट रहे हैं, बस थोड़े दिए वगैरह मैं जलाऊंगी और नूर को, जो नूर की टी शर्ट है, मैंने ब्लू टी शर्ट पहनी है, नूर की भी ब्लू टी शर्ट पहनाऊंगी, बस वही सब करते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहे, छोटी दिवाली सेलिब्रेट करते हैं साथ में। अभी टाइम मुझे 7:30 का, बस मैं दिए जलाने लगी हूँ, दिए जलाती हूँ। पहले उससे पहले मैं आपको पूरा का पूरा अपना जो मैंने बाहर लाइटनिंग लग रही है वो कैसी लग रही है मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैंने खाली स्टार फॉइल लगा रखी थी, अब मैंने 2 लाइट्स और साथ में लगा दी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ पूरा गली कितनी जगमगा रही है, फिर उसके बाद हम दिए जलाएंगे। तो गाइज, ये मैंने पूरा का पूरा, जैसे कि आपको दिखाया था, ये घर पूरा का पूरा अपना सजाया था। और बस अब मैं आपको बालकनी खोल के दिखाती हूँ, मैंने जो उनकी लाइट्स दिखाई थी, क्योंकि इसी टाइम लाइट तो इसी टाइम में अच्छी लगती है दिखने में, अंधेरे में नाइट के टाइम पे, तो ये सारी की सारी लाइट्स और बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन पता है, आज के दिन मच्छर बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर आ जाते हैं, क्योंकि लाइट्स बहुत ज़्यादा जल रही होती हैं जगह 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 जगह। और मैं आपको दिखाती हूँ पूरी की पूरी गली इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी जगमगा रही थी। मैंने स्टार्स वाली लाइट के साथ एक पिंक वाली और ब्लू वाली भी साथ में लगा ली थी, और पूरी गली में देखो किसी ने कौन से कलर्स की लगाई हुई है, किसी ने ब्लू, किसी ने येलो, किसी ने ग्रीन, किसी ने मल्टी, सबकी चॉइस, हर एक चीज़ इंसान की अलग अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई मल्टी लगा रहा है तो दूसरा भी मल्टी लगाएगा, नहीं, सबकी चॉइस हर एक चीज़ में अलग होती है। और दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें रौनकें लगती हैं, जिसमें ये सब देखने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। ये देखो, मैं आपको अपना अंदर से एक सेकंड से घर दिखाती हूँ, कितना प्यारा लग रहा है और सफाई साफ़ सुथरा हो जाता है इस दिन। घर वैसे साफ़ सुथरा हमेशा ही रहता है, लेकिन दिवाली की तो एक अलग ही होती है ना, अलग ही रौनक है। तो मैंने एक ये यहाँ पे लगाया था दरवाजे के आगे, और एक ये मैंने लगाया था बालकनी में, ताकि सुंदर सुंदर लगे, और बस मेरी सजावट यही है। तो गाइज, मैंने आपको दिखाई है पूरी डेकोरेशन, कितना प्यारा लग रहा है, लाइटनिंग बहुत प्यारी 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 लग रही है। तो बस अब मैं दिए जलाने लगी हूँ, दिए 4-5 दिए जलाएंगे, तो चलो साथ में दिए जलाते हैं। दिए मैं जलाऊंगी साथ में, इसमें बस तेल वगैरह भरते हैं। दिवाली मतलब दिए और रोशनी के बिना अधूरी है। तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 दिए जलाए थे तेल वाले, सरसों के तेल में, और बस मैं अपनी बालकनी में मेन यहाँ पे लगाऊंगी। मेरे को बहुत अच्छा लगता है दिवाली पे घर को सजाना, और जो ये दिए वगैरह है, कैंडल्स वगैरह हैं, उनको जलाना बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है। ये चीज़ें आपको मेरे फेस से भी दिख रही होंगी कि कितनी ज़्यादा खुश होती हूँ मैं दिवाली पे, क्योंकि मेरे को लाइट्स बहुत प्यारी लगती है, हर जगह रौनक होती है, बहुत खुशी मिलती है। और ये मैंने यहाँ पर अपने दिए वगैरह सब जला दिए, और ये है स्टार वाली लाइट जो कि बहुत खूबसूरत है। ये बाहर मेन एंट्री पे भी मैंने 2 दिए जला दिए हैं, दिए वगैरह जला दिए हैं, और नूर के साथ थोड़ी सी फोटोज क्लिक करनी है। नूरू है ना, जो मेरा पिद्दू, वो सोया हुआ है, वो उठेगा तब हम वीडियोस वगैरह उसका क्लिक करेंगे। तो ये छोटी दिवाली काफ़ी, मतलब छोटी दिवाली पे भी यही है कि जैसे कल मेन दिवाली है, बड़ी दिवाली है, तो कल जैसे 31 को, कोई 1 को, बहुत सारी तारीखें निकल गई है, मे भी हमारे वहाँ 31 को ही मना रहे हैं, इसलिए मैं कल जा रही हूँ। तो छोटी दिवाली यहाँ बनाएंगे, बड़ी दिवाली वहाँ बनाएंगे। अगर मैं आपको दिखाती हूँ कि देखो, मेरा नूरू नीनी आई है, नूर उठेगा तो फिर उसका मैं वीडियोस बनाऊंगी। तो गाइस, कल मैं मार्केट गई थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी, मैं ना वो वाली वीडियो डालना ही भूल गई, तो ना कल की वीडियो मैं आज डालने वाली हूँ। इतनी ज्यादा भीड़, इतनी रौनक हुई थी दिल्ली में, मैं मतलब यहाँ दिल्ली में, वो दिल्ली आए हुए 5-6 साल हो गए हैं, और ऐसे ही रौनक रहती है। तो कल मैंने वीडियो शूट की तो इतना प्यारा, ऐसे लग रहा था जैसे शादी का माहौल है, कहीं रेडी पे कुछ लगा रखा था, कहीं रेडी पे कुछ लगा रखा था, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो उसकी वीडियोज कल डालना भूल गई थी, तो उसकी वीडियोज मैं आपको आज दिखाती हूँ, आपको भी देख के बहुत अच्छा लगेगा, आंखें एकदम से ऐसे लगेंगी, वाह कितना प्यारा है। वही है ना, हम लोग जो त्यौहार है इंडियंस के, मतलब सब कुछ देखो, ये हिंदुस्तान एक ऐसा मतलब देश है जिसमें कितने फेस्टिवल्स आते हैं और कितना अच्छा लगता है, सभी के सारे फेस्टिवल्स बहुत अच्छे होते हैं। और मेरे को दिवाली तो वैसे भी ये जो उनसे ये लाइटनिंग के कारण बहुत पसंद है, तो बस मैं आपको लाइटनिंग शो करती हूँ, कितना प्यारा कितना सजा हुआ चीज है, तो आप देखिए वीडियो।
तो गाइस ये मैंने कल वीडियो शूट की थी आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे बस मैं मार्केट वगैरह गई थी और ये वाले भैया ये बोलते हैं कि मेरी भी वीडियो बनाओ, तो मैंने इनकी वीडियो बनाई और यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मतलब एक छोटी से छोटी चीज़ लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक एक मार्केट में आपको मिल जाएगा, खिलौने हो, बच्चे के लिए कोई खाने की चीज़ हो, कुछ भी हो, डेकोरेशन का सामान हो, सब कुछ मिल रहा है और सब लोग यहाँ पे अपने अपनी चीज़ों में लगे हुए हैं। सबको लग रहा है कि मैं अपने घर को अच्छे से जाऊँ, उसके लिए वो शॉपिंग कर रहे हैं, कोई खा पी रहा है, तो इतना अच्छा लगता है। मेरे को दिल्ली में रहते हुए 5 साल हो गए हैं और जो ये चीज़ है मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि दिल्ली में हर एक फेस्टिवल को इतने प्यार से इतना अच्छा मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया जाता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मेला लगा हो इतना बड़ा। ये देखो कितना प्यारी लाइटनिंग लग रही है, मतलब क्या बताऊँ, रोशनी रोशनी चारों तरफ, बहुत प्यारी बहुत प्यारा मेरे को ये वाला फेस्टिवल लगता है। और यहाँ पर हर कोई अपना अपना सामान बेच रहा है, कोई कुशन कवर बेच रहा है, कोई फ्लावर्स बेच रहा है, कोई लड़ियाँ बेच रहा है, कोई खाने का सामान बेच रहा है, बैलून्स, मतलब हर एक चीज़ बहुत अच्छी है। बस मैंने आपके लिए चीज़ें शूट की थी गाइज। ये आज छोटी दिवाली का जो है वो मैं खाना बना रही हूँ, मैं राजमा चढ़ाया, मैंने रेसिपी नहीं दी आपको, लोगों का डेली राजमा 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 फेवरेट है, तो क्या मतलब डेली राजमा राजमा दिखाती रहेगी, इसलिए मैंने नहीं दिखाया है। तो बस वो उसका वो बन रहे हैं और मैं वेट कर रही हूँ, उसकी सीटियाँ आ रही हैं अभी। तो कच्चे राजमा ही ऐसे हैं तो तड़का लगा के लगाया है, तो कम से कम 7 से 8 सीटियाँ तो आती ही आती हैं। और बस जब राजमा बनेंगे तो आज राजमा राइस खाएंगे हम। और आपको देखो आवाज़ भी आ रही होगी, सीटी की तो आवाज़ आ रही होगी, बाहर पटाखे जो छूट रहे हैं, इतने पटाखे इतने पटाखे। तो बस इस सबका अपना अपना वे होता है ना सेलिब्रेशंस करने का, तो कोई अच्छा सा खाना खा के करता है, कोई क्रैकर्स फोड़ के करता है, कोई घर को सजा के करता है, सबका अपना अपना वे होता है। A few moments later. नूरू, ये मेरा नूर अभी अभी उठी उठी की है, तो नूर भी तो दिए जलाएगा ना, तो नूर के लिए हम ये वाला दिए लाएंगे ना। नू हाथ लगाओ, यहाँ पे लगो, कितना प्यारा प्यारा है नूरू, देखो वाओ नूरू नूरू, अजय अजय नूरू, यहाँ पर नूरू आप एक कॉपी दिखाएगा ना बेटा, थोड़ा सा दिखाओ जी नन्नू सुकड़ू मेरा सुकड़ा। तो ये हमारा नूरू, नूरू की मामा ने और नूरू ने सेम सेम आउटफिट पाया है, मेरे नूरू नूनू ने बच्चे बोलो मेरी तरफ से सबको हैप्पी दिवाली, और मेरे नूर और मेरी तरफ से सबको हैप्पी दिवाली, और मेरे नूर को बहुत सारी ब्लेसिंग्स 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 देना। ये देखो मेरे नूर को बहुत सारी ब्लेसिंग्स 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 देना। और नूनू गाइस जो नूर है, नूर ने थोड़ी देर बस थोड़ी देर उसने जस्ट 2 मिनट के लिए उसने वो टी शर्ट पहनी, और मैं नूर के लिए वो दिए लेके आई थी, क्योंकि वो उस दिए को तो हम उसको हाथ नहीं लगाने देंगे, तो इसलिए मैं लेके आई ताकि वो खेल भी ले इसके साथ। तो ये छोटे छोटे से दिए लेके आई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो जो ये बिग वाला था एंड एक था ये छोटू सा, ताकि नूर इनको जलाए, ने इनको जलाया। और बस ये छोटी सी दिवाली नूर के साथ मेरे को बहुत मतलब मैं खुशी हुई कि मैं नूर के हाथ से ये छोटी छोटी कैंडल्स जलाई। तो बस मेरे राजमा राइस बन गए, अब मैं राजमा राइस खाऊंगी और मिलते हैं हम कल आपको एक नए अच्छे से व्लॉग के साथ। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली, बाय बाय। A few moments later. तो गाइस गर्मा गर्म राजमा रेडी हो चुके हैं, बस अब हम इसको सर्व करेंगे, सर्व करूंगी मैं इसमें, तो मैं इसको सर्व करूंगी इसमें इस प्लेट में। कल मैं ये धनतेरस पे लेके आई थी, तो इसमें मैं खाऊंगी गर्मा गर्म राजमा राइस। गाइस मैंने ये राइस ले लिया, इतने से मैंने राइस लिया, इसको मैंने फैला लिया अच्छे से, मतलब इसमें हम राजमा डालेंगे, और बाहर पटाखों की आवाज आ रही है। तो गाइज बस मेरे को लगा आपका अपना डिनर भी दिखा दो, आपको लगा कभी पता नहीं क्या खाया होगा, तो राजमा राइस ही खाने लगी हूँ। तो मिलते हैं कल अच्छे से व्लॉग के साथ, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।